सो हाय गाइस, आई एम फरहान एंड यू वाचिंग टेक्नो फरहान यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तीन ऐसी जबरदस्त थंबनेल मेकर एप्लीकेशन के बारे में जो आपको बहुत ही क्वालिटी वाले थंबनेल बनाकर देती हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी थंबनेल बना लेते हैं, कहीं ना कहीं से उनको एप्लीकेशन मिल ही जाती है, लेकिन आज हम आपको जो एप्लीकेशन बताएंगे, इन एप्लीकेशन की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्ले स्टोर पर आपको थंबनेल मेकर एप्लीकेशन मिल जाते हैं जिन पर आप थंबनेल बना तो लेते हैं, लेकिन लगाने के बाद उनकी क्वालिटी एकदम बेकार हो जाती है और आप जब उनको सेव करते हैं तभी उनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको तीन ऐसी ज़बरदस्त एप्लीकेशन बताएंगे जो हर एक यूट्यूबर, हर एक बड़ा यूट्यूबर इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको बताते हैं इन एप्लीकेशन के बारे में, लेकिन बताने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाला जो भी नॉलेजेबल वीडियो है, अर्निंग टेक वीडियोज़, आपको मिलते रहें। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन तीन एप्लीकेशंस के बारे में। तो दोस्तों, साइड में आप मोबाइल पर देखते रहिएगा स्क्रीन पर कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे। तीनों एप्लीकेशन काफ़ी लेजिट होने वाली हैं, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो क्वालिटी आपको बेकार दे। तीनों एप्लीकेशनों की क्वालिटी आप खुद चेक करके देख सकते हैं। तो नंबर एक पर जो एप्लीकेशन है वो है हमारी पिक्सआर्ट। दोस्तों, पिक्सआर्ट बहुत ही पुरानी एप्लीकेशन है, इस पर बहुत पहले हम भी इस पर जो है थंबनेल बनाया करते थे, लेकिन आज के टाइम हम उसको चेंज कर चुके हैं। लेकिन पिक्सआर्ट जो है वो काफ़ी दमदार एप्लीकेशन है। जिसको हम ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। इसको प्ले स्टोर से या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तीनों एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो भी आपको अच्छी लगे उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस आए तो आपको सबसे नीचे यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर जिस भी कलर का आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो बैकग्राउंड यहाँ से आप सेट कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर आप यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड सेट कर लेना है। अब दोस्तों, यहां पर आपके सामने बैकग्राउंड आ जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि थंबनेल बनाने के लिए आपको एक थंबनेल का साइज चाहिए होता है जो कि 1280 और 720 पर बनता है। तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहां पर आपको टूल्स का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आपको टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां से आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सिंपली ऊपर यहां पर एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, आपको यहां पर कर देना है क्लिक। अब यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको विड्थ और हाइट का ऑप्शन आ जाता है, तो आप यहां पर सिंपली सेट कर सकते हैं, आपको यहां पर रख देना है 1280 और इधर आपको हाइट में कर देना है 720। जैसे ही आप इसको रिसाइज करेंगे उसके बाद ऊपर टिक का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको टिक कर देना है। आपका जो है थंबनेल का ढांचा जो है, वो जो स्ट्रक्चर है, जो साइज है, वो तैयार हो चुका है। अब इसके बीच में आप यहां पर जो भी लिखना चाहें, जो भी फोटो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। लिखने के लिए सिंपली आपको नीचे बहुत सारे टूल मिल जाते हैं, टेक्स्ट का टूल मिल जाता है, ऐड फोटो का टूल मिल जाता है, स्टीकर, ब्यूटी और यहाँ पर कट, यानी कि कुछ भी कट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। बॉर्डर, अगर आप यहाँ पर बॉर्डर बनाना चाहते हैं वो भी आपको यहां पर एक टूल मिल जाता है, ब्रश का टूल मिल जाता है, लेंसेज वगैरह मिल जाते हैं। फिलहाल यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा प्रो मोड की चीजें मिल जाती हैं जिनका आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन पर भी आप काफी अच्छा थंबनेल, काफी क्वालिटी वाला थंबनेल बना सकते हैं। दोस्तों, हम आपको दूसरी एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जिसका नाम है कैनवा। दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर आप फ्री में भी थंबनेल बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा प्रीमियम थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर बाय भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का कुछ ऐसा इंटरफेस है, सिंपली जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां पर आपको बहुत सारे फ्री में थंबनेल बनाने को मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर हम आपको बता दें, यहां पर आप थंबनेल और आप अपने जो है चैनल का आर्ट और यहां पर बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, एनिमेटेड, सोशल मीडिया के लिए जो भी बनाना चाहते हैं, अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं। सिंपली आप ऊपर अगर सर्च बॉक्स में लिखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यूट्यूब वीडियो के एड, जो भी एड यूट्यूब पर अगर आपके पास कोई
प्रोडक्ट है उसका ऐड आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट करके यूट्यूब पर चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर थंबनेल का ऑप्शन मिल जाता है, चैनल आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, हर चीज़ आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो सिंपली हम आपको बताएंगे कि आपको यहाँ से थंबनेल कैसे बनाना है। तो आपको ऊपर सर्च कर लेना है यूट्यूब थंबनेल, जैसे कि यहाँ पर सर्च किया हुआ है तो हम यहाँ पर ऐसे ही क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो जितने भी यहाँ पर फ्री वाले थंबनेल है वो हमारे सामने आ जाएंगे। यहाँ पर एक ब्लैंक का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी थंबनेल आपको अच्छा लगता है, जिस भी डिज़ाइन का आप थंबनेल बनाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इस तरीके का कोई भी थंबनेल आप बनाना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ी देर लोडिंग करेगा, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हम आप हर चीज़ मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ये फ़ोटो हो गया, ये जो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है, नीचे का टेक्स्ट है और इसका बैकग्राउंड है, सब आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। हम आपको दिखा दें, देखिए ये फ़ोटो यहाँ पर अगर हम एडिट करना चाहेंगे तो फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, अब ये देखिए फ़ोटो इधर से उधर जाने लगा है। यहाँ पर टेक्स्ट पर अगर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट भी यहाँ से जो है वो चेंज हो जाएगा, जो भी हम लिखना चाहते हैं वो यहाँ से लिख सकते हैं। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड भी यहाँ से जो है हम इसको इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप पूरी तरीके से इस जो है थंबनेल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको बहुत सारे थंबनेल मिल जाते हैं। यहाँ पर मेन चीज़ आपको क्या है कि आपको जो साइज़ है वो सेलेक्ट नहीं करना होता है, खुद से बनाना नहीं होता है, यहाँ पर ऑटो साइज जो है वो पहले से ही सेलेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो साइज़ का झंझट है वो आपको नहीं करना होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको क्या होता है कि आप यहाँ पर चैनल आर्ट बना सकते हैं, यहाँ पर यूट्यूब के लिए स्टोरी बना सकते हैं, यूट्यूब के लोगो बना सकते हैं और थंबनेल तो बना ही सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप बना सकते हैं, फ्री में भी बना सकते हैं और अगर आप प्रीमियम पेड करना चाहते हैं तो पेड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी एप्लीकेशन ये हो गई। अब तीसरी सबसे फेवरेट एप्लीकेशन जिस पर हम भी थंबनेल हम भी इसी पर बनाते हैं तो उसका नाम है पिक्सल लैब। दोस्तों पिक्सल लैब काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, ज़्यादातर यूट्यूबर, ज़्यादातर जो मिड यूट्यूबर हैं वो इसी का यूज़ करते हैं क्योंकि ये फ्री है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी भी देती है। तो जैसे ही इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर सिंपली आपको नीचे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, टेक्स्ट का, फोटोज़, यहाँ पर आपको फोटोज़ का ऑप्शन मिल जाता है और एक और लेयर का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली जब यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड का कलर है वो हम सेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये कलर अगर आप ग्रेडियंट रखना चाहते हैं, मान लीजिए दो कलर का आप रखना चाहते हैं तो सिंपली नीचे ग्रेडियंट पर रख कर कोई भी दो कलर जो यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए ये हम लेना चाहते हैं कलर, तो ये कलर ले लिया और साइज़ के ऑप्शन में जाएंगे तो साइज़ चेंज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि हमको क्या बनाना है, यूट्यूब थंबनेल बनाना है या यहाँ पर चैनल आर्ट बनाना है। तो साइज वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर भी आपको साइज नहीं लिखना होता है, लिखकर आपको यहाँ पर साइज नहीं देना होता है। सिंपली आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हैं या चैनल बैनर बनाना चाहते हैं या फेसबुक का कवर फोटो या गूगल प्लस का कवर फोटो, जो भी आप बनाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पर थंबनेल बनाना चाहते हैं, थंबनेल बना वाले पर क्लिक करके सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर जो भी इसका स्ट्रक्चर है, जो भी साइज है, एक्चुअल साइज यहाँ पर आ जाएगा। अब ये आ चुका है, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं और इसका जो है आप यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आपको फॉन्ट मिल जाएंगे जिनको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बीच वाले पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ओवरऑल एप्लीकेशन काफ़ी अच्छी है, बनाना आपको है कि आप किस तरीके से किस टॉपिक पर अपना थंबनेल बनाना चाहते हैं। बात यह आती है कि हमको साइज पता होना चाहिए, उसके बाद आप जो भी बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हैं, जो भी थंबनेल में लगाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो आपको खुद करना है। तो इस तरीके से फिलहाल हमने जो आपको बताया है वो ये बताया है कि ये तीन एप्लीकेशनें जो है इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। दोस्तों बहुत सारी एप्लीकेशनें आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगी जिन पर आप थंबनेल बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। जब आप इनको बनाकर और सेव करते हैं उसके बाद जब आप अपलोड कर देते हैं फिर भी इनकी क्वालिटी जो है वो कम नहीं होती है। जो और थंबनेल मेकर एप्लीकेशंस हैं उनका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो जब उनको अपलोड करते हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल ही जाती है, या तो आपका टेक्स्ट कट जाता है या फोटो कट जाता है या फिर वो छोटा हो जाता है।
तो यहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगी, जो भी आपका एक्चुअल साइज है वो सेम आपका एक्चुअल साइज फिट एकदम यूट्यूब के वीडियो पर होगा। तो ये तीनों एप्लीकेशंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं प्ले स्टोर से तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप लिंक से डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये आज का वीडियो और ये छोटी सी नॉलेज अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि ऐसे ही यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स एंड अर्निंग वीडियोस आपको मिलते रहें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।